नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज आपके बीच रख रहा हूं। अभी कुछ समाचार पत्रों में सूचनाएं आई हैं, सोशल मीडिया पर भी सूचनाएं आई हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस में स्पेशली नॉन क्रीमिलियर अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट को लेकर फ्रेश सर्टिफिकेट को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रहा है और यही प्रॉब्लम EWS कैटेगरी के लिए भी होने की सूचना है। हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मामले में भी ये समस्या आ रही हो। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी मार्च में जो COVID-19 को लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ वो कई महीनों तक प्रभावित रहा। प्रत्येक राज्यों में, देश के प्रत्येक राज्यों में अंचल ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो, सब डिवीजन, जिला ऑफिस हो, तहसील कार्यालय हो, सभी कार्यालय प्रभावित हुए। इसलिए सर्टिफिकेट बनाने में स्टूडेंट्स को काफी समस्याएं आई होंगी। तो जो समस्याएं आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि करंट ईयर का नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जमा करना एकदम अनिवार्य है, जबकि सभी कैंडिडेट्स को यह सर्टिफिकेट बनाने में काफी कठिनाई हुई है। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं कि कास्ट का जो लिखा हुआ है नाम, उसमें कुछ स्पेलिंग की गलती, हो सकता है कि वो लिपिकीय भूल हो, इसका भी वेरिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कर सकता है। मैंने पाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन से संबंधित जो कमेटी है, उसने फाइनली सभी कॉलेजेस को ये पत्र दिया है कि जिन लोगों ने जिस कैटेगरी में स्पेशली ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, चूंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है, चूंकि जाति प्रमाण पत्र है और जाति कभी बदल नहीं सकती, लेकिन इन दोनों कैटेगोरीज को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए उसको प्रोविजनली एडमिशन लेने का आदेश सभी कॉलेजेस को गया है, निर्देश, और दिया गया कि कैंडिडेट से अंडरटेकिंग लिया गया। जो अंडरटेकिंग है मैं पढ़ना चाहूंगा कि आई अंडरटेक दैट माई एडमिशन अगेंस्ट द रिजर्व सीट इज सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ ए वैलिड एंड फ्रेश ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट। The new certificate will be submitted within the given time limit of 14 days from the date of admission, subject to the last day of admission. उसके बाद उसमें लिखा गया है, I also state that I am aware that failure to submit the certificate will get my admission cancelled as it depends on the validation of my original certificates. इस क्रम में मैं स्पेशली अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए विशेष रूप से मैं संदर्भ देना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो भारत सरकार का है, पर्सनल डिपार्टमेंट मंत्रालय के अधीन का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36033/4/97-establishment विदिन ब्रैकेट रिजर्वेशन दिनांक 25/7/2003, जिसमें अंकित है कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसमें कास्ट रहता है, कास्ट कभी चेंज नहीं हो सकता, और कास्ट उसमें से हटेगा कब, जब सरकार उसको रिजर्वेशन लिस्ट में से उस कास्ट को हटा दे, और दूसरा पार्ट है कि वो क्रिमिलियर में नहीं आते हैं या चेंज हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रिमिलियर के लिए या क्रिमिलियर, जो क्रिमिलियर डिटर्मिनेशन है वो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, दैट इज प्रोफेशन, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, रेंट, बिजनेस एक्सेट्रा, सैलरी और एग्रीकल्चर होल्डिंग उसका पार्ट नहीं है। इसीलिए इस पत्र में यह उद्धृत किया गया कि कैंडिडेट के द्वारा जो समर्पित किया जाए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, उसके साथ एक घोषणा पत्र लिया जाए। मैं बतलाना चाहूंगा कि उसमें घोषणा पत्र का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, और उसके आधार पर मैं स्पेशल रेफरेंस देना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने 2005 में ही, उस वक्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग हुआ करता था, उसका एक पत्र निकला 1074 डेटेड 6/7/2005, जिसमें दिया गया इस घोषणा पत्र का जिक्र है कि किसी कभी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो उसके साथ घोषणा पत्र हो कैंडिडेट देंगे। और 2011 में 8 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ने एक पत्र निकाला 673, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के लिए बार बार नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे, वरन
जो भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसका मतलब कि अगर पुराना भी है तो दिया जाएगा और उसमें एक घोषणा पत्र फॉर्मेट है बिहार सरकार का, और वो आधारित है 2003 के डीओपीटी में दिए गए फॉर्मेट से। वो घोषणा पत्र रोमन 18 है, उसमें घोषणा पत्र कैंडिडेट को देना है, उसमें नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से एफिडेविट कराने की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट स्वयं उस पर दस्तखत करेगा और वो मान्य है। मेरा अनुरोध है भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से कि न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी वरन पूरे देश के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सभी सरकारों को, केंद्र शासित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जाना चाहिए कि 2003 का जो डीओपीटी का पत्र है उसमें जो घोषणा पत्र है उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली, चूंकि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम उसका पार्ट नहीं है, इसलिए उस घोषणा पत्र के आधार पर कैंडिडेट का एडमिशन लिया जाए। अगर उसमें कोई गलती होती है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनका चूंकि प्रत्येक मैंने एक पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रमाण पत्र चाहिए, तो उनके लिए भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए कि वो अपना फ्रेश वो बनवा सके। और जहां तक एससी एसटी का है, कभी का भी कास्ट सर्टिफिकेट हो उसको मान किया जाना चाहिए। और यदि सर्टिफिकेट्स में, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट हो, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसमें अगर स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक है तो उस लिपिकीय भूल के संबंध में वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट करा सकता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश के अन्य विश्वविद्यालयों को, प्रशासन को डीओपीटी के द्वारा 25 जुलाई 2003 को निर्गत ऑफिस मेमोरेंडम 360/33/4/97 के अनुरूप कुछ कार्रवाई का रास्ता निकालना चाहिए ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।